आज हम आपको एक बहुत ही ऐतिहासिक इमारत के बारे में बताना चाहते हैं। यह इमारत पहले मुजफ्फरनगर ज़िले का इतिहास थी और अब शामली जनपद का इतिहास है। आप जानते ही होंगे कि प्राचीन काल में भारत में अनेक इमारतों का निर्माण हुआ, जिनमें ये एक ऐतिहासिक इमारत शामली जनपद के पंतीखेड़ा गांव में स्थित है। इसको बनाने के लिए लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। पहले आपको ये भी बता दें कि पंतीखेड़ा गांव, जो वर्तमान में शामली जनपद में स्थित है, पहले यह मुजफ्फरनगर ज़िले का भाग था। यह एक ऐतिहासिक है और ये पहले कुरुक्षेत्र के से संबद्ध था। आपको बता दें कि बंतीखेड़ा गांव को चौधरी दिसोदी जगलाल ने आज से 550 साल पहले बसाया था। ये एक ऐतिहासिक गांव है और शामली जनपद के लिए अति महत्वपूर्ण भी है। ये जो गुंबद आप देख रहे हैं, ये एक इतनी विशाल गुंबद है कि इसके सामने खड़े होकर इसका फ़ोटो लेना भी एक डिफ़िकल्ट काम है, एक मुश्किल कार्य है। इसलिए जो चित्र आप देख रहे हैं, ये सैटेलाइट द्वारा लिया गया चित्र है। इस गुंबद को बनाने में लाल पत्थरों का और सफ़ेद पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। इसमें नीचे की तरफ बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है और ऊपर की तरफ छोटे पत्थरों का। ये आप इसका दूसरी दिशा का भाग देख रहे हैं, जहाँ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ लगी हुई है। की गई खोज के अनुसार पता चला है कि ये गुंबद एक 20 किलोमीटर से भी लंबी सुरंग से जुड़ी हुई है, जिससे इसका ऐतिहासिक महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि हम आपको और भी नए नए वीडियो दिखा सकें। धन्यवाद।